दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ काश मेरा ससुराल और मायका एक ही शहर में ना होता। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। दीदी रुक जाओ ना, आज रात यही मैं जीजू को फोन कर देती हूँ कि दीदी आज यही रुकेगी, देर रात तक बातें करने का मजा ही कुछ और है। दिन भर तो बच्चे इतनी उधम करते कि दो पल सहन से हम बात भी नहीं कर पाते। गर्मी की छुट्टियों में मायके आई निशा ने बड़ी बहन रागिनी से कहा, नहीं निशा मुझे जाना ही पड़ेगा। क्या दीदी तुम भी जीजू कोई बच्चे नहीं है कि तुम्हारे बिना काम नहीं चला सकते। मैं फोन करती हूँ, रुको, बात सिर्फ तेरे जीजू की नहीं है निशा, घर में और भी लोग हैं, सबको देखना पड़ता है, बच्चों को यही छोड़कर जा रही हूँ मैं, कल दोपहर तक आ जाऊँगी, कहकर रागिनी बूझे मन से दरवाजे से बाहर निकल गई। रात के 8 बजे सूखे थे। ससुराल पहुँच कर रागिनी ने रसोई संभाली, सासू माँ ने दाल उबाल कर और सब्जी काट कर रखी थी। रागिनी ने एक तरफ दाल का सोग लगाया और दूसरी तरफ सब्जी का, तीसरे बर्नर पर चावल चढ़ा दिए। फटाफट आटा बांध कर सास ससुर को गरम गरम रोटी उतार कर देने लगी। उनके उठने के बाद नवीन के साथ खाना खाने बैठी। डाइनिंग टेबल पर एक अजीब सी सूफी साई देखकर नवीन की अनुभवी आंखें रागिनी के उखड़े मुड़ को तुरंत भाप गई। क्या हुआ, नवीन से रहा न गया? कुछ नहीं, रागिनी ने बिना नजर उठाए कहा। बोलो भी रागिनी, मूड क्यों खराब है? एक ही शहर में मायका और ससुराल कभी नहीं होना सही है। कहते कहते रागिनी के अब तक छुपाए हुए आंसू सलक ही गए। ओ तो ये बात है, बात तो तुमने सही कही, काश मेरा भी ससुराल किसी दूसरे शहर दूर शहर में होता तो मैं भी 2-4 दिन रहकर दामोदर वाली खातिरदारी का मजा लेता। नवीन ने सेड़ते हुए कहा। रागिनी ने एक नज़र नवीन पर डाली और फिर जैसे तैसे खाना खत्म करके उठ गई। रागिनी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा मायका और ससुराल एक ही शहर में है। रात को फिर नवीन ने रागिनी का मूड ठीक करने की कोशिश करी। किस चीज़ की खुशी, शादी के बाद मायके में एक दिन भी सहन से नहीं बिता पाई हूँ, जिम्मेदारियाँ सिरकी रहती हैं, कभी मम्मी जी और पापा जी की तबीयत खराब तो कभी आपके सरकारी टूर, तो कभी बच्चों की परीक्षा, तो कभी समर कैंप, मेरे लिए तो वैकेशन जैसी कोई चीज ही नहीं। शादी को 10 साल हो गए, इन 10 सालों में 10 रातें भी मायके में नहीं बिता पाई हूँ। गर्मी की छुट्टियों में आपकी बहन आती है, मेरी बहन आती है, कितनी खुशी होती है सभी को, पर मेरे लिए छुट्टी जैसी कोई फीलिंग ही नहीं। सुबह मायके जाओ तो शाम तक ससुराल लौटाओ। मेरी सभी सहेलियाँ भी 15-20 दिन के लिए जब मायके आती है तो कितनी खुश रहती हैं, घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, देर रात तक जागती और सुबह देर तक सोती हैं। और मैं, मेरे लिए तो घड़ी के कांटे भी साजिश रचते कि कैसे मुझे बिजी रखे। काश कि मेरा मायका और ससुराल एक शहर में न होता। बात तो तुम्हारी सही, बस इतना करना कि यही बात कल तुम अपनी माँ के सामने बोलना। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह तुम्हारी तकलीफ का मुझसे ज़्यादा बेहतर हल निकाल सकेगी, कहकर नवीन सो गए। रागिनी भी मन महसूस कर सो गई। अगले दिन सुबह उठकर सारे काम निपटा कर 12 बजे मायके पहुंच गई। सब उसी का इंतजार कर रहे थे। आज रविवार होने की वजह से समर कैंप की छुट्टी थी तो बच्चों को कल यहीं छोड़ गई थी। सबने मिलजुल कर खाना खाया, बच्चे कैरम खेल रहे थे, तभी गली में मटका कुल्फी वाले की घंटी की टन टन सुनाई दी। रागिनी की भाभी ने सब
गोकुल भी खिलाई और अपने कमरे में आराम करने चली गई। माँ पर उम्र की थकान थी, वो भी आराम कर रही थी। रागिनी निशा के साथ माँ के पलंग के पास ही फ्लोर पर तकिया लेकर लेट गई। यहाँ वहाँ की बातें शुरू हुई। बचपन की गर्मी की छुट्टियों की याद ताजा हो गई। बचपन में कहाँ कोई समर कैंप होता था। माँ कितने आराम से हमें लेकर मामा के घर जाती थी और क्या। अब तो स्कूल वाले भी समर कैंप के नाम पर बच्चों को एंगेज कर देते। पीयू की स्विमिंग क्लास चालू है तो मुझे तो रोज ही लेकर जाना पड़ता। अगले महीने स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करने वाली और सोनू की कराटे क्लास चालू, उसकी भी छुट्टियाँ नहीं रख सकती। रागिनी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैंने तो इसलिए समर कैंप ज्वाइन ही नहीं करवाया। रूही को साल में एक बार तो आना होता है, या वो भी रह जाए इस सकर में। निशा ने बेफिक्री से कहा। निशा की बात ने रागिनी की दुखती रंग पर हाथ रख दिया। मन में एक सीढ़ सी उड़ रही थी किंतु किसी से कुछ बोल नहीं पा रही थी। बातों ही बातों में आंख कब लग गई कुछ पता ही न चला। 5 बज गए, भाभी साय बना कर ले आई। मम्मी जी शुक्रवार का टिकट हो गया, मैं शुक्रवार को रात की ट्रेन से निकलूंगी और 15 दिन बाद वापसी का टिकट है। रागिनी की भाभी ने सबके हाथ में साय के कप थमाते हुए कहा, ठीक है बेटा। रागिनी की माँ ने बहु मधु को कहा, माँ तुमने मेरी शादी इसी शहर में क्यों की, काश कहीं दूर की होती तो मैं भी सुकून के साथ छुट्टियाँ मनाने आती। साय पीते पीते रागिनी ने उखड़ी आवाज में अचानक माँ से पूछ लिया इन अंध अपेक्षित प्रश्न से। माँ कुछ पल के लिए खामोश हो गई। रागिनी के दर्द को तुरंत समझ गई, फिर शांत स्वर में बोली, क्योंकि इस में मेरा इस बार सुबह था। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो। रागिनी माँ की बात सुनकर हतप्रभ रह गई। बेटा जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती, कभी संत कन्हों की दूरी पर जीवन साथी मिल जाते तो कभी साथ समंदर पार। रही बात तेरे सुकून की तो हाँ उस पर मैं जरूर बोल सकती हूँ कि एक ही शहर में मायका और ससुराल होने से छुट्टियों का सुकून नहीं मिल पाता तुझे। पर कभी तूने दूसरे नजरिए से सोचा है कि तू कितनी खुश नसीब है। निशा का ससुराल से घंटी की दूरी पर है और वह साल में केवल एक बार ही आ पाते। रक्षाबंधन पर भी बच्चों के एग्जाम या टेस्ट आने की वजह से नहीं आ पाती। उसको देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। तू तो रक्षाबंधन पे भी आ जाती और मायके या ससुराल के छोटे मोटे फंक्शन पर भी हम मिल लेते। कभी किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी पर भी हमारा गेट टुगेदर हो जाता। जब हमारी याद आती है तब भी तू कभी कभी यूं ही मिलने आ जाती है। निकालने का झमेला तो नहीं तेरे और दामाद जी के पास होने की वजह से। तेरे पापा और मैं ईश्वर को धन्यवाद देते कि कम से कम एक बेटी का चेहरा तो यदा कदा देखने को मिलता है, सुकून मिलता है हमको। रक्षाबंधन पर तेरे भाई की कलाई सुनी नहीं रहती, वरना तेरे मामा को तो मैंने शादी के बाद ज़्यादातर राखियाँ डाक से ही। यादें कोने वाले शर्मा जी की दोनों बेटियों के ससुराल दूर होने की वजह से अचानक सल बसे शर्मा जी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। कितना रोई थी कि हम पाप के अंतिम समय में उनके पास भी नहीं पहुंच सकी। तू यहाँ है तो तेरे भाई को भी तेरे और नवीन जी के होने से सारा है। छोटा सा तो परिवार हमारा पास रहने एक ताकत का एहसास होता। तेरी शादी के लिए जब नवीन जी का रिश्ता आया था तब बहुत से रिश्तेदारों ने कहा भी था कि लड़की को दूसरे शहर ब्याहना सही है, एक ही शहर में शादी होगी तो ससुराल वाले हर समय हावी रहेंगे, हर तीज त्यौहार रस्में निभानी पड़ेगी। दूर होने से कुछ तो राहत मिलेगी। पर मैंने किसी की नहीं सुनी क्योंकि मैं इस बार थी मैं अपनी बेटी को अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को देखने के लिए
मेरी आंखें तरस जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को भी रक्षाबंधन पर मायके ना जा पाने के दुख में सलके आंसुओं को आंसर के कोने से सुखाना पड़े। मैं नहीं चाहती थी कि तेरी पसंद के बेसन के लड्डू बनाते समय कभी मेरे आंसुओं का खारा बन उन पर गिरे। रिश्ते तो बाहर से भी आए थे पर मेरे इस बात के कारण तुम्हारी शादी यही हुई। अब तुम ही बताओ तुम्हारी माँ स्वार्थी नहीं तो क्या है। माँ की वो बात सुन रागिनी के आंसू बहने लगे। माँ से नज़र मिलाने का भी साहस नहीं हो रहा था। क्यों माँ से ऐसा सवाल पूछ बैठी। उसका अफसोस हो रहा था। उसे हमेशा अपने आराम की सोचती थी पर कितनी गलत थी वह। माँ के नज़दीक रहकर कितनी सुकून उसे मिल रहे थे ये नहीं देख पा रही थी। आज उसकी सारी शिकायतें दूर हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। इस बार थी तुम नहीं, इस बार थी तो मैं हो गई थी। कहकर रागिनी की आँखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। निशा और मधु की आँखें भी नम थी, मुस्कुराहट थी तो केवल एक माँ के